भाई अगर चाहते हो इसके साथ ऑल्टो की रेस हो तो कमेंट सेक्शन में पूरा बता देना, इसके साथ ऑल्टो की रेस करेंगे, देखते फिर कौन जीतता है कौन नहीं। ये है भाई 2021 मॉडल और ये है 2001 मॉडल की गाड़ी, कंपैरिजन करके देख लेंगे भाई कौन जीतता है कौन नहीं, क्योंकि ये भी अपने टाइम में एक बहुत खतरनाक गाड़ी थी और ये तो भाई है ही खतरनाक। What's up my YouTube family, welcome back to my channel। तो कैसे हो आप सब गाइज, बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि थोड़ा बिजी था, तो आज वीडियो बनाने निकले हैं। तो आज की जो टॉपिक है वो मैं आप लोग को बताऊंगा कि टॉप हिडन फीचर्स जो कि ऑल्टो में होने चाहिए और बहुत यूज़फुल है, जो कि मैं आप लोग को आज बताऊंगा। आप लोगों ने बहुत ऐसी वीडियो देखी होगी जो लोग थंबनेल में फ्रॉड करते और लिख देते हैं कि 25 हिडन फीचर, 20 हिडन फीचर। इतनी छोटी कार में कोई भी ऐसा हिडन फीचर नहीं है जो कि 25 या 20 हो या फिर बहुत ज़्यादा हो। मैं आज आप लोग को बताऊंगा ऐसे टॉप मेन फीचर्स जो कि यूज़फुल है, डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम कार के अंदर चलते हैं, मैं आप लोग को इंटीरियर में बताऊंगा अंदर का क्या क्या है मेन टॉप फीचर जो कि हिडन है। तो सबसे पहले आप लोग को अंदर बैठ के बताते हैं। तो मेरे भाई अब आपको बताते हैं कि इसके टॉप हिडन फीचर्स क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो मीटर की लाइट है ऑरेंज कलर की, उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये भी एक हिडन फीचर है जो किसी को ऑल्टो में जल्दी पता नहीं रहता है। जैसे कि आप नॉर्मल टाइम में देख रहे हैं अभी हेडलाइट ऑफ है गाड़ी की, तो इस पर अगर मैं आपको बटन क्लिक करके दिखाऊंगा तो इस पर सिर्फ ट्रिप ए, ट्रिप बी, टाइम और ओडोमीटर आ रहा है। लेकिन आप जैसे ही हेडलाइट को या पार्किंग स्विच को ऑन करेंगे तो इस पर एक और फीचर आ जाएगा, देखिएगा। ये जो आप देख रहे हो ये चार डॉट्स जो हैं, ये इसके जो है मीटर के लेवल को एडजस्ट करने का, मीटर के लाइट को लेवल एडजस्ट कर सकते हैं आप इसमें से। जैसे कि देखिए अगर मैं इसको यहाँ से दबा के रखूँगा तो ये वन में, थ्री में हो जाएगा, थ्री में थोड़ा कम हो जाएगा, फिर दबा के रखूँगा तो ये टू में हो जाएगा, और दबा के रखूँगा तो ये एकदम वन में हो जाएगा। वन में देखिए मीटर की लाइट कितनी कम है, और फिर दबा के रखूँगा तो ये वापस से लेवल फोर में आ जाएगा। तो इसी तरह आप अपनी मीटर की लाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं, पार्किंग लाइट को ऑन करने से ही होगा ये, ठीक है, ये याद रखिएगा। सेकंड हिडन फीचर जो है ऑल्टो में इंटीरियर में वो आपको दिखाता हूँ, वो आपको यहाँ पैसेंजर साइड के नीचे मिलता है। ये आप देख सकते हैं मैक्सिमम 2 kg लिखा है इसमें, ठीक है। इसको आप यहाँ से ऐसे प्रेस करोगे तो ये ऐसे एक हुक सा निकलता है यहाँ पे, ऐसे देखिए आपको पता चलेगा, ठीक है। इस पे आप मैक्सिमम 2 kg तक कुछ भी सामान जो है वो टांग कर लेके आ सकते हैं घर पे, जैसे कुछ पॉली बैग में कुछ भी आप खरीदने जाते हो तो वो आप टांग सकते हैं, ठीक है। तीसरा एक छोटा सा फीचर है, एक हिडन फीचर टाइप का ही आप उसको बोलोगे, यहाँ पे एक ये ऐसा बंद सा है, लेकिन आप जब आप इसको ऐसा खोलोगे तो इस पर आप 1 liter की बॉटल होल्ड कर सकते हो। तो ये एक सेंटर पे, सेंटर कंसोल पे बहुत अच्छा सा ये एक चीज़ दिया गया है जो एक हिडन फीचर के टाइप पे यूज़ हो सकता है। और अगर आप LXI मॉडल यूज़ कर रहे हो, LXI मॉडल में क्या है, अगर आप 1 DIN का एक स्टीरियो सिस्टम लगाते हो, जैसे कि हमने लगाया है 1 DIN का स्टीरियो सिस्टम, ये अपने में एक हिडन फीचर बन जाता है 1 DIN लगने के बाद। ये जैसे कि आप ये स्पेस देख रहे हैं, ये जो स्पेस है ये आपका एज अ हिडन फीचर इसमें यूज़ कर सकते हैं आप ऑल्टो में। तो मैंने आपको टोटल 4 हिडन फीचर्स दिखाए हैं अभी गाड़ी के फ्रंट में जो भी है इंटीरियर के अंदर। और एक पांचवा हिडन फीचर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गाड़ी पे, जब आप LXI या VXI मॉडल लेते हो तो आपको सिर्फ यहाँ पे जो है हेडलाइट लेवलर मिलता है, ठीक है। बट इसके साथ आपको यहाँ पे ऐसे वाले ब्लैक कलर का ऐसे 2 स्विच लगाने के जगह मिलती है। जैसे कि अगर आप फ्रंट में, हमारे ऑल्टो में एक और हिडन फीचर मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि फ्रंट में अगर आप फॉग लाइट लगाते हैं तो उसका स्विच भी यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन हमने ये बेस ट्यूब लगाया तो बेस ट्यूब ऑन ऑफ करने का ये स्विच एक लगाया है। तो ये भी एक हिडन फीचर है बहुत अच्छा, इस पर स्पेस दिया गया है कि आप इस पर जो है स्विच लगा सकते हो। सो गाइज, इंटीरियर में जो भी हिडन फीचर्स थे मैंने आपको दिखाया, जो जेन्युइन हिडन फीचर्स मिलते हैं ऑल्टो 800 में आपको, नई वाली ऑल्टो में। उसके अलावा एक्सटीरियर में सिर्फ एक हिडन फीचर जो मुझे लगा कि मैंने आपको दिखाना चाहिए, कि आप ऑल्टो की कोई भी मॉडल ले लो, चाहे वो बेस मॉडल हो चाहे तक टॉप मॉडल में कोई भी ले लो, आपको यहाँ पे एक LED लैंप लगाने का स्पेस मिलता है, ये वाला, ठीक है। ये दोनों साइड आपको मिलता है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इन फ्यूचर कभी भी बेस मॉडल लेकर या फिर टॉप मॉडल लेकर आप उसमें एक LED DRL ऐड करवा सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर जो है स्पेस दिया गया है आपको ऑल्टो में।
सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को मेरे भाई ने इंटीरियर के 5 हिडन फीचर्स एंड एक्सटीरियर के 1 हिडन फीचर जो कि मैंने भाई ने आप लोगों को बताया है, और ये सब जेन्युइन हिडन फीचर्स है तो, और बहुत यूजफुल भी है। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना। एंड जितने भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत अच्छी अच्छी होगी। सो गाइस, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड कीप सपोर्टिंग।